माय स्मार्ट कंप्यूटर एंड एजुकेशन में स्वागत है आपका दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जीएसटी नए वर्जन का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। तो उसमें लेजर कहाँ से क्रिएट करते हैं, स्टॉक कहाँ से क्रिएट करते हैं और बाकी जो भी सभी एंट्रीज है वो कहाँ से करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो आप ध्यान से देखिए और फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले हम लेजर कहाँ से क्रिएट करते हैं उसका आपको बता देते हैं। लेजर यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो में यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है दोस्तों। जो भी पार्टी का नाम है, सन्डरी डेबिटर्स है, क्रेडिटर्स है, वो सभी चीज़ यहाँ पे लिखनी है। और आपको जो भी अंडर ग्रुप रखना है, सन्डरी क्रेडिटर्स है, डेबिटर्स है, यहाँ पे यहाँ से लेजर क्रिएट करना है। यहाँ पे जीएसटी की डिटेल्स डालनी है और एक्सेप्ट और यस करना है। ठीक उसी तरह हम स्टॉक आइटम्स की एंट्री कहाँ से करेंगे। स्टॉक आइटम यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करना है दोस्तों। SS पाइप है, SS सॉकेट है, जो भी आपकी कंपनी की जो भी आइटम रहेगी यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करना है बेसिकली। ठीक उसी तरह यहाँ पे गोडाउन्स क्रिएट करने हैं और ऑर्डर वाउचर में परचेस, जैसे कि कोई भी पार्टी का हम ऑर्डर लेते हैं तो ऑर्डर वाउचर में यहाँ पे ऑर्डर डालना है, ऑर्डर की एंट्री यहाँ पे करनी है। यहाँ पे अकाउंट वाउचर में हम जाते हैं तो F5 में पेमेंट की एंट्री आती है। मैं स्टार्ट से बताता हूँ, F2 से डेट चेंज होती है, F4 से कॉन्ट्रा की एंट्री, यानी कि कंपनी में जो अरस परस एंट्री करते हो कॉन्ट्रा में एंट्री आती है। F6 से रिसिप्ट की एंट्री होती है, F7 से जनरल वाउचर की एंट्री होती है, F8 से सेल इनवॉइस क्रिएट होता है दोस्तों, F9 से परचेस की एंट्री होती है और F11 जो हमारे टैली के कॉन्फ़िगरेशन है, फीचर्स है, F11 वो कंपनी के फीचर्स है, F11 से वो सेटिंग किया जाता है। और F12 जो भी मतलब जनरल वाउचर है, पेमेंट की एंट्री है, F12 जो कॉन्फ़िगरेशन है वो वाउचर का कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों। यहाँ से बैलेंस शीट देखी जा सकती है, बैलेंस शीट में हम एंटर होते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट और यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको हमारा यहाँ से स्टॉक समरी भी आप देख सकते हो, स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। तो आपको बेसिकली जो इंट्रोडक्शन देना था जीएसटी वर्जन का वो आपको अच्छी तरह से ख्याल आ गया रहेगा दोस्तों। अगर आपको कुछ भी कमेंट में लिखना है दोस्तों जीएसटी वर्जन में आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है तो उसके रिलेटेड हम वीडियोस बनाएंगे, तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख सकते हो। जीएसटी R1 का और 2 का रिपोर्ट कहाँ से देखना है।